दूसरे टेस्ट में जीतते ही टीम इंडिया को मिली तीन सबसे बड़ी खुशखबरी। तो ऐसे में क्या कुछ है पूरी खबर की जानकारी और क्या है वो भारत के लिए तीन बड़ी खुशखबरी, सब कुछ बताएंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप ये टीम इंडिया के फैन तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करेंगे इस रिपोर्ट की। दरअसल भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खत्म हो चुकी है, जहां पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका ने जीता था, तो वही दूसरा मुकाबला टीम इंडिया ने भैया यहां पे 7 विकेट के अंतर पे जीत कर सीरीज में अब 1-1 की बराबरी कर सीरीज को ड्रॉ कर दिया है। लेकिन सीरीज जीतने के बाद यानी कि मैच जीतने के बाद टीम इंडिया को एक साथ तीन बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। तो आइए जानते हैं क्या है वो टीम इंडिया के लिए तीन बड़ी खुशखबरी। पहले बड़ी खुशखबरी की बात करें तो वो है दोस्तों यहां पे गेंदबाज मोहम्मद सिराज को लेकर। मोहम्मद सिराज ने जहां पे पहली इनिंग में आपको बता दें कमाल की गेंदबाजी का नजारा पेश किया था, केवल 9 ओवर फेंक के 15 रन दिए, 3 मैडन दिए और साथ साथ 6 विकेट चटका दिए, जो की दिखा रहे कि मोहम्मद सिराज यहाँ पे कितनी शानदार फॉर्म में नजर आ गए इस सीरीज में। और अभी T20 सीरीज भी होगी तो वहां पे उसके लिए मोहम्मद सिराज तैयार हो गए और दूसरी इनिंग में 1 विकेट लिया था, जो कि दिखा दिया कि इस पूरे मैच में 7 विकेट लेकर मोहम्मद सिराज कितने शानदार खिलाड़ी बन चुके हैं। इसके बाद अगर बात करें दूसरी बड़ी खुशखबरी की तो दूसरी बड़ी खुशखबरी यहां पे दोस्तों आपको बता दें कि विराट कोहली को लेकर है। विराट कोहली जैसे कि आपको पता है कि यहां पहले टेस्ट मैच में कमाल की पारी खेली और दूसरे टेस्ट में भी यहां पे 46 रन बनाए और इसके बाद आपको बता दें कि यहां पे भैया एक और शानदार पारी खेली थी 12 रनों की, इसके बाद टीम इंडिया मुकाबला जीत गई थी। यानी कि देखा जाए तो विराट कोहली ने कमाल की पारी खेली और अभी T20 है तो T20 में विराट कोहली एक शानदार पारी खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि भारत और उनके फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। अगर बात करें यहाँ पे आपको बता दें कि WTC पॉइंट्स टेबल की तो WTC पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया नंबर 1 पर है, जिन्होंने 4 मैच खेले हैं, 2 मैच अब तक आ रहे हैं और यहाँ पे आपको बता दें कि यानी कि 2 मैच जीते हैं, 1 मैच हारा है, 1 मैच ड्रॉ रहा है और आपको बता दें कि यहाँ पे उनके पॉइंट्स भी 26 और परसेंटेज 54.16 का है। यानी कि देखा जाए तो टीम इंडिया WTC के पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर है, जो कि दिखा रहा है कि भारतीय टीम के खिलाड़ी और भारतीय टीम टेस्ट के लिए पूरी एक मजबूत टीम बन चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया अफगानिस्तान को T20 सीरीज में हरा पाएगी? यानी अपना चेक करके जो बताएगा, तब तक के लिए।